अच्छा तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैंने आपके लिए थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे लिखा है एमएस वर्ड में, ताकि आप जो है फुल नॉलेज इसके बारे में हासिल कर सके और अगर कोई आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे तो आप सही तरह से जवाब दे सके, ठीक है। तो क्वेश्चन वन है, इन प्री स्ट्रेसिंग वर्क इफ मोर देन वन वायर स्ट्रैंड इज इंक्लूडेड इन द सेम डक, व्हाई शुड ऑल वायर स्ट्रैंड बी स्ट्रेस्ड एट द सेम टाइम। अच्छा, जितने भी हमारे पास एक डक के अंदर वायर्स हैं, स्ट्रैंड्स हैं, तो उसको हम सेम टाइम में स्ट्रेस करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम एक एक वायर को स्ट्रेस करेंगे तो वो एक दूसरे के खिलाफ स्ट्रेप कर जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन के जो फोर्सेस है वो जो ट्रिप वायर्स है उसमें हाई हो जाएंगी और ये हमारे पास अनडिज़ायरेबल है एक स्ट्रेन एंड डक के लिए। सो हम जितने भी वायर्स है सबको एक टाइम में स्ट्रेस करते हैं, ठीक है। अब जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्राउट इनसाइड टेंडन डक्ट्स। टेंडन में जो ग्राउट हम डालते हैं डक्ट के अंदर, उसका क्या फंक्शन है? तो सबसे पहले फंक्शन है प्रोटेक्ट द टेंडन अगेंस्ट कोरोजन, ये कोरोजन को हमारे पास प्रोटेक्ट करता है। इम्प्रूव द अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ टेंडन, टेंडन की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। प्रोवाइड ए बॉन्ड बिटवीन द स्ट्रक्चर मेंबर एंड द टेंडन, बॉन्ड प्रोवाइड करता है। और इन केस ऑफ फेल्यूर द इंक्रीज इज नॉट सब्जेक्ट टू ऑल स्ट्रेन एनर्जी, ये हमारे पास फंक्शन है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द कंसिडरेशन इन सेलेक्टिंग द ओरिएंटेशन ऑफ बीम वॉल इन डिज़ाइन ऑफ ब्रिज अबटमेंट्स। सो इसका आंसर है, देयर आर थ्री कॉमन अरेंजमेंट्स ऑफ विंग वॉल्स इन ब्रिज अबटमेंट्स बेस्ड ऑन डॉक्टर ई सी हेमली। ओके, सो वन है विंग वॉल्स पैरेलल टू अबटमेंट्स, दिस इज द सिंपलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट टाइम टू बेल्ड, बट इट इज़ नॉट द मोस्ट इकोनॉमिकल डिज़ाइन। दिस डिज़ाइन हैज़ द एडवांटेज दैट इट हैज़ लीस्ट डिस्टर्बेंस टू एग्जिस्टिंग स्लोप अबटमेंट्स। विंग वॉल्स एट एन एंगल टू अबटमेंट्स, अभी जो एंगल में है, दिस इज ऑलमोस्ट एक मोस्ट इकोनॉमिकल डिज़ाइन अमंग द थ्री ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ मटीरियल कॉस्ट। विंग वॉल्स परपेंडिकुलर टू अबटमेंट्स, दो इट इज़ नॉट द मोस्ट इकोनॉमिकल डिज़ाइन, द विंग वॉल्स प्रोवाइड ए कंटिन्यूस अलाइनमेंट विद द ब्रिज डेक्स विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द पैरापेट्स। हाउएवर दे कॉज डिस्टर्बेंस टू एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स एंड यूटिलिटी सर्विसेज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। मोरओवर इफ द ब्रिज इज कर्व्ड द विंग वॉल्स मोर हैंडल द रोड कर्वेचर। ओके, क्वेश्चन फोर, इन जॉइंट्स ऑफ प्रीकास्ट कंक्रीट ब्रिज सेगमेंट्स व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लाइंग एपॉक्सी एडहेसिव, की क्या फंक्शंस है? इट सेज द जॉइंट कंप्लीटली बिटवीन प्रीकास्ट कंक्रीट सेगमेंट्स टू प्रोटेक्ट द प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन्स बाय फिलिंग वॉइड्स एंड रिग्रेडेंस अलोंग द सेगमेंट जॉइंट्स। इट हेल्प्स रिड्यूस द स्ट्रेस, इट हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग ऑफ शियर बिटवीन द जॉइंट्स एंड द लार्ज सिंगल शियर पीस यूज्ड। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन फाइव है, अंडर व्हाट सिचुएशन शुड इंजीनियर यूज स्पॉट बियरिंग इंस्टेड ऑफ इलास्टोमेरिक बियरिंग्स। सो आंसर है, इन द इवेंट ऑफ हाई वर्टिकल लोड्स कंबाइंड विद लार्ज एंगल ऑफ रोटेशन रबर बियरिंग्स आर अनडिजायरेबल व्हेन कंपेयर्ड विद स्पॉट बियरिंग्स। फॉर इंस्टेंस इलास्टोमेरिक बियरिंग्स रिक्वायर हाई बियरिंग सर्फेसिस सो दैट कंप्रेशन कैन बी मेंटेन्ड बिटवीन द कॉन्टैक्ट सर्फेस बिटवीन द बियरिंग एंड पियर। Moreover, it also leads to uneven disturbance of stress on the piers and some of these high induced stress may damage the piers. So, ये है एक मेथड के मुताबिक। कभी क्वेश्चन सिक्स पे जाते हैं, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ ग्रिलेज एनालिसिस विच इज कॉमनली यूज्ड इन स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिजेस। ग्रिलेज एनालिसिस सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग शॉर्टकमिंग्स, फॉर फोर्स मेश टॉर्क्स मे नॉट बी आइडेंटिकल इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, सिमिलरली ट्विस्ट मे बी डिफर ऑन टेबल डायरेक्शन। मोमेंट इन एनी बीम्स इज मेनली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर ओनली, हाउएवर मोमेंट इन एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन कर्वेचर इन बीम्स डायरेक्शन एंड इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। ओके, सो क्वेश्चन सेवन पे जाते हैं, हाउ डू इंजीनियर डिटरमिन द नंबर ऑफ सेल्स फॉर कंक्रीट बॉक्स गर्डर ब्रिजेस। हैव इसका आंसर है, इफ द डेप्थ ऑफ द बॉक्स गर्डर ब्रिज एक्सीड्स वन और सिक्स और वन और फाइव ऑफ द ब्रिज वेट्स, देन इट इज रिकमेंडेड टू बी डिजाइन एज ए सिंगल सेल बॉक्स गर्डर ब्रिज।
However, if the bridge depth is smaller than 1/6 of the bridge width, then a twin cell or multiple cell is better choice as used by these methods. However, one should note that even for the wider bridges with small depths, the number of cells should be minimized because there is not much improvement in transport distribution when the number of cells of box border is increased to 3 or more. So, ये हमारे पास का आंसर है, ठीक है। अभी क्वेश्चन 8 है, should rigging piles of a bridge abutment be placed under an embankment? So, इसका आंसर है, for a bridge abutments to be supported on rigging pile with different orientations, the movement between the ground and the pile group is difficult to predict. For instance, if some of the rigging piles of the bridge abutments are extended beneath an embankment, then the settlement of embankment behind the abutment may cause the rigging piles to experience severe bending moments and damage the piles as recommended by Dr. Edmund C. Humley. Okay, so ye iska simple answer hai. Abhi question 9 hai, what are the three major types of reinforcements used in pre-stressing? Pre-stressing mein kaun se three types of reinforcements use hote hain? So first of all is spalling reinforcement. Spalling stresses are established behind the loaded area of anchor blocks and this causes breaking away of surface concrete. These stresses are induced by strain compatibility with Poisson's effects or by the shape of stress traverses. Second है equilibrium reinforcements. Equilibrium reinforcement is required where there are several anchorages in one in which pre-stressing loads are applied sequentially. Bursting reinforcement, tensile stresses are induced during the pre-stressing operation and the maximum bursting stress occurs where the stressed edges are concave toward the line of action of the load. Reinforcement is needed to resist these lateral tensile forces. तो ये हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस है, रिइंफोर्समेंट है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा तो आपने ये आंसर करना है। क्वेश्चन 10 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्लाइडिंग बियरिंग्स और रोलर बियरिंग्स? तो इसका हमारे पास क्या एडवांटेज है? इन रोलर बियरिंग्स फॉर गिवन मोमेंट द रोलर बियरिंग्स एक्सिबिट अ चेंज इन प्रेशर सेंटर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन बाय 1/2 ऑफ इट्स मूवमेंट बेस्ड ऑन डेविड येली। However, with sliding bearings, as a sliding plate is attached to the upper superstructure and the moving parts of the bearing element in belt substructure, it follows that there is no change in pressure center after the movement. So, ये हमारे पास इसका आंसर है, इसका जो एडवांटेज है वो आपने यहाँ पे रीड कर लिया, आप इसको समझिए और अपने पास याद करके रखें। इंटरव्यू में अगर आप पूछे तो आपने सिंपल सा आंसर देना है, ठीक है।